नमस्कार, गुड इवनिंग। ज़ेप्पे और न्यूज 18 नेटवर्क की इस खास वेबिनार क्रिप्टो की समझ में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो एसेट और टैक्सेशन के बारे में आज की चर्चा है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिप्टो के बदले हुए मार्केट्स में इन्वेस्टर सेंटिमेंट कैसा है और इन नए रेगुलेशंस का कैसा असर दिख रहा है, क्या मायने हैं इनके। आज की चर्चा में मेरे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों का बहुत स्वागत। अविनाश शेखर, सीईओ ज़ेप्पे, हितेश मालवीय, फाउंडर इट्स ब्लॉकचेन, गौरव मेहता, फाउंडर कैटैक्स ऑनलाइन, अ क्रिप्टो टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग सॉल्यूशन स्टार्टअप, और सिद्धार्थ सुगानी, फाउंडर एंड सीईओ क्रिबाको ग्लोबल। वेलकम जेंटलमैन। सबसे पहले तो आप सभी से ये जानना चाहूंगी कि क्रिप्टो मार्केट के करंट स्टेटस को आप कैसे देख रहे हैं। हितेश, लेट मी स्टार्ट विद यू एंड देन आई विल कम टू द रेस्ट ऑफ यू। मार्केट सेंटिमेंट, किस तरीके के सवाल आपसे लोग पूछ रहे हैं, और खुद आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में किस तरीके के ट्रेंड्स देखे जाएंगे? सो राइट नाउ क्रिप्टो मार्केट इज सॉर्ट ऑफ इन अ बेयर साइकिल आई वुड से, बिकॉज अभी जो मार्केट सेंटीमेंट है वो भी काफ़ी नेगेटिव है। और इसका मेन रीजन जो है यूएस की जो फंडामेंटल्स है इकोनॉमी के अराउंड, जो अभी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट हाइक लगातार हो रही है, और कल जो इवेंट हुआ था उसमें जेम पॉवेल ने जो इंडिकेट किया था कि दे विल बी कीप ऑन डूइंग दिस इंटरेस्ट हाइक इन नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, सो दैट इज सॉर्ट ऑफ नेगेटिव न्यूज फॉर द क्रिप्टो मार्केट। एंड उसकी वजह से जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी नेगेटिव हो गया, लोग भी काफ़ी डरे हुए हैं। और अभी बिटकॉइन जो एक की लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, $20,000 के आसपास आ चुका है, और उससे ये लग रहा है कि अगर इसी टाइप से यूएस की इकोनॉमी में सुधार नहीं आता और यूएस आगे जाके फ्यूचर में अगर ऑफिशियल रिसेशन अनाउंस करता है, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया है, तो उसकी वजह से मार्केट और डाउन हो सकता है। एट द सेम टाइम चाइना से भी हमको काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिल रही है। चाइना में रियल इस्टेट क्राइसिस चल रही है एंड चाइना ताइवान का भी वॉर टेंशन चल रहा है। सो जो इकोनॉमिक अराउंड और जो ग्लोबल साइड में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं देट आर वेरी नेगेटिव, और उसकी वजह से जो इक्विटी मार्केट है और क्रिप्टो मार्केट दोनों इफेक्ट हो रहे हैं। सो फ्यूचर में ये हो सकता है कि आने वाले 4 से 5 महीने के आसपास अगर बिटकॉइन और ड्रॉप होता है, $17,000 के लेवल को भी ब्रेक डाउन करके और नीचे जाता है, देन वी कैन सी ए लॉन्ग कंसोलिडेशन पीरियड फॉर लाइक 5 to 6 months, मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट ईयर। उस केस में बिटकॉइन की जो प्राइस है वो $10,000 से लेकर $13,000 के नीचे भी जा सकती है, और वहाँ पे लंबा स्टे कर सकती है। उसके बाद कैपिचुलेशन मूवमेंट आएगा, उस कैपिचुलेशन मूवमेंट में जो वीक हैंड्स है वो उस मार्केट से आउट हो जाएंगे, फिर फ्रेश मनी आएगा, फिर नया बुल स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। सो मेरे हिसाब से अगला जो साल है उसमें भी एक बेयर साइकिल लंबी चलेगी और टाइम लग सकता है। तो आई वुड से लाइक बुल मार्केट आने में काफी टाइम लगेगा, मोस्ट प्रोबेबली जो हालविंग होगी 2024 में बिटकॉइन की, उसके बाद वी कैन सी द नेक्स्ट बुल साइकिल अगेन। उससे पहले तक अभी जो चल रहा है वो बेयर साइकिल है, और उसकी वजह से आगे जाके और भी प्राइस करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। सो अभी आज के टाइम में अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किसी भी इन्वेस्टर को करना है तो पोजीशन बिल्डअप करना स्टार्ट कर सकते हैं, बस स्लोली बट ग्रेजुअली, लेवल बाय लेवल वो धीमे धीमे करके अपनी पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। उनको लंबा होल्ड करना पड़ेगा तभी जाके वो आगे जाके रिटर्न कमा पाएंगे। सो दैट इज माई थॉट्स अराउंड व्हाट इज हैपनिंग विद द करंट क्रिप्टो मार्केट। नोटेड। गौरव, आपका स्टैंड क्या है इस वक्त? जैसा मैं ये सोचता हूँ, क्रिप्टो मार्केट एक सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है, क्योंकि क्रिप्टो कोई रियल लाइफ एसेट से बैग नहीं है, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं की है अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी भी रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है कि किससे रेगुलेट करना है, क्या रेगुलेट करना है, जिसके कारण ये पूरा इकोसिस्टम ससेप्टेबल टू पूरा मैनिपुलेशन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बल्क में इन्वेस्ट किया इन पास्ट, वो प्रॉफिट नॉन स्टॉप बुक करते जा रहे हैं। मार्केट में लिक्विडिटी बहुत मिनिमम है क्रिप्टो एसेट्स की, बिकॉज मेजॉरिटी लोग होल्ड करके रखे हैं क्रिप्टो। सो जिससे आपका एक शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिप्टो के काफ़ी सारी कॉपी कैट्स आने लगे। सो नॉर्मल कंज्यूमर काफ़ी कंज्यूम है कि क्या बिटकॉइन है, क्या इथेरियम है, क्या अल्टकॉइन है। सो कहीं ना कहीं क्रिप्टो को खुद कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है खुद के इनोवेशन से। तो आई बिलीव मार्केट और अभी टूटता रहेगा कंटिन्यूसली अपकमिंग फ्यू इयर्स, क्योंकि अभी गवर्नमेंट रेगुलेट इसे टाइटली करना चालू कर दिए। जी सिद्धार्थ, इस मार्केट का फायदा भी उठाया जा सकता है, और कई लोग जो कि अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे और सही मौके को तलाश रहे थे, कहीं ना कहीं एक मौका उनके लिए भी आ रहा है। देयर इज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग एज दे से, बट आपसे जानना चाहूंगी व्हाट वुड योर सजेशन बी, और इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? वेल आई थिंक मार्केट एज एज हितेश एंड गौरव राइटली सेड, ये
जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है ये 18 मंथ्स की साइकिल्स में चलता है, 18 मंथ्स से 24 मंथ्स जहां बुल और बेयर मार्केट आते जाते रहते हैं। बट ये वाला सिचुएशन डेफिनेटली बहुत अलग है क्योंकि हमने कोविड देखा है, हमने मनी सप्लाई एकदम पैराबोलिक तरीके से ऊपर जाते हुए देखा है। तो नॉट जस्ट क्रिप्टो बट नॉर्मल इक्विटी मार्केट्स के भी बहुत बुरे हाल हैं। कल ही बिल्कुल कल मैं एक न्यूज़ हेडलाइन पढ़ रहा था कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स वेर वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द इक्विटी मार्केट्स इन द यूएस एंड ईयू, राइट। तो ये बहुत बड़ा है, वो पूरा क्रिप्टो मार्केट 1 ट्रिलियन का नहीं है। सो ये मतलब ये पीरियड इज अ गुड टाइम टू स्लोली स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। आई वोंट से कि आपका अगर 1,000 रुपये का बजट है तो आप पहले 50 डालें, 25 डालें, 100 डालें एंड स्टार्ट गेटिंग द हैंग ऑफ इट। डोंट गो ऑल इन एट ऑल। देखिए क्रिप्टो इज अ नॉन कोरिलेटेड एसेट, तो एसेंशियली होना ये चाहिए कि जब पूरे वर्ल्ड मार्केट्स नीचे जा रहे हैं तो क्रिप्टो को ऊपर जाना चाहिए, बट ऐसा हो नहीं रहा है डेफिनेटली। एंड आई एम नॉट इन टोटल फेवर ऑफ इट, बट इट्स अ अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, पहली बार हो रहा है। सो थोड़े थोड़े स्टेप्स में यू शुड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। एसेट क्लास तो सही है, डेफिनेटली इट्स नॉट दैट यू नो, इट्स नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, इट्स बैक्ड बाय कंसेंसस। देर आर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज ऑपरेटिंग इन दिस। वीसीज वर्ल्ड के सारे इस स्पेस में काफ़ी बुलिश हैं और काफ़ी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर ऑल्सो वेंचरिंग आउट इन टू इट। सो इवन वी शुड, बट इन अ वेरी कैलकुलेटेड manner. We shouldn't go all in at this point of time. You will get lot of opportunities in the next 1 year to enter into this space. So you can take a calculated decision. Avinash, that has always been your advice, staggered and calculated decisions. लेकिन हाँ, आपने ये कभी नहीं कहा कि market में आना नहीं चाहिए। हाँ, ये बात है कि market में सोच समझ के आना चाहिए। Are you going to say the same thing given कि sentiment जो है वो और भी ज़्यादा इस वक्त लोग जो हैं वो shaken हैं about what is happening in the market? हाँ, तो देखिए सही बात है कि चाहे बूम कर रही हो मार्केट या नीचे जा रही हो, अगर आपके पास कन्विक्शन है, थोड़ा आपने स्टडी करा है क्रिप्टो के बारे में, तो वन टाइम तो नहीं जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा, हाँ, आज की डेट में अगर देखें तो काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ एक साथ आ रही हैं। एक तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो गवर्नमेंट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया थोड़ा क्रिप्टो को नेगेटिवली देख रही हैं, उस हिसाब से रेगुलेशंस के ऊपर काम कर रही हैं। और दूसरा, बाकी सारी चीज़ें जो बाकी पैनलिस्ट ने बोली यूएस इकॉनमी के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, वो सबका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, शेयर मार्केट का इम्पैक्ट पड़ रहा है क्रिप्टो के। अभी एक मैंने न्यूज़ देखी कि मैड गॉक्स का जो है वो 140,000 बिटकॉइन रिलीज कर रहा है कल। आई डोंट नो, काफ़ी लोगों को इसका पता होगा कि 2013 में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था जिसमें 140,000 बिटकॉइन लोगों के लॉक हो गए थे। और अब वो बहुत साल कोर्ट केस चलने के बाद वो वापस मार्केट में आ रहे हैं। तो उन्होंने, जिन लोगों ने उस टाइम 400-500 डॉलर में, लेस देन 400-500 डॉलर में जो ख़रीदा था, उसकी वैल्यू थी आज 20,000 है, तो उनमें से भी उम्मीद है कि काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। उसका कितना इम्पैक्ट आता है मार्केट में वो भी देखना पड़ेगा। बट मेरा बिलीफ ये है कि लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, और अगर जब हमको एक्चुअली में क्रिप्टो को एक पूरे एक ब्रश के साथ आई थिंक नहीं देखना चाहिए। आज की डेट में भी क्रिप्टो हैं जो जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बुल मार्केट में भी और बेयर मार्केट में भी आपको टच नहीं करनी चाहिए, जिसमें आपको नॉलेज नहीं है आपको उसके बारे में और पता नहीं है कि क्या हो रहा है। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो उसमें भी काफ़ी वेरिएंस होता है, तो उसमें भी काफ़ी देख सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। आप चाहे बिटकॉइन इथेरियम में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 100th और 500th कॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज के आपको व्हाट्सएप पे या कहीं पे कुछ टिप आई है। राइट और इससे पहले कि मैं अपने अगले सवाल की तरफ जाऊं और चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेट मी टेल ऑल आवर व्यूअर्स जो कि वेबिनार में हमारे साथ शामिल हैं, प्लीज अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप अपने चैट बॉक्सेस में लिख कर हमें जरूर भेजिए। जैसे ही वो सवाल आते हैं
मैं अपने गेस्ट से, अपने एक्सपर्ट से वो आपके सवाल जरूर पूछ लूंगी. टेकिंग अ क्यू फ्रॉम अविनाश अबाउट द मोमेंटम फॉरवर्ड, टैक्सेशन के बारे में आप बात करते हैं. हितेश, हाउ डू यू सी आवर टैक्सेशन एट द मोमेंट? इट इज ऑल्सो अ डेटरेंट फॉर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स. लेकिन क्या आपने इस टैक्सेशन की उम्मीद की थी जब रेगुलेशन नहीं आए थे, और वेयर डू यू सी दिस हेडेड? सो आई थिंक फॉर ए इन्वेस्टर, आई थिंक फ्लैट 30% टैक्स इतना बुरा नहीं है मेरे हिसाब से, बिकॉज आई हैव बीन इन्वेस्टिंग दिस स्पेस सिंस 2015 एंड आई यूज्ड टू पे टैक्सेस, लाइक आई यूज्ड टू पे कैपिटल गेन टैक्सेस. तो पहले क्या होता था कि लोग अपने हिसाब से टैक्स पे करते थे, जनरली कैपिटल गेन टैक्स पे करते थे, तो वो समवेयर अराउंड 20-30% ही पेमेंट होता था उसका. सो फ्लैट टैक्स पर्सनली आई एम नॉट अगेंस्ट टू दैट, बट TDS की अगर बात करते हैं, 1% TDS ऑन द ट्रेडिंग एक्टिविटी, दैट इज़ ए वेरी कन्फ्यूजिंग स्टेट आई वुड से, बिकॉज उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं. कई बार आप क्रिप्टो में बिजनेस कर रहे हो तो क्रिप्टो में आपका पेमेंट आता है, कई बार आप इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेड कर रहे हो, कई बार आप इंडियन एक्सचेंज के साथ ट्रेड कर रहे हो. अगर इंडियन एक्सचेंज के साथ ट्रेड कर रहे हो तब तो TDS इंडियन एक्सचेंज खुद काट रहे हैं, बट इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ ट्रेड करो तो आपको वो खुद ही मैनेज करना पड़ेगा कि TDS आपने उसको पे किया कि नहीं किया है. और अगर आपका बिजनेस क्रिप्टो पे डिपेंड है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा बिजनेस है वहाँ पे मेरा पेमेंट काफ़ी ज़्यादा पोर्शन क्रिप्टो में आता है, तो उसमें मेरे को भी डाउट है कि मैं कैसे TDS उसको काटूंगा, कैसे उस चीज़ को मैनेज किया जाएगा, राइट? सो यहाँ पे जो टैक्स रिपोर्टिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट एवेन्यूज है कि आपको कौन से कैटेगरी में कैसे टैक्स रिपोर्ट करना है, कैसे TDS कट करना है, उस पर अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन है मेरे हिसाब से. एट द सेम टाइम यहाँ पे एयर ड्रॉप्स वगैरह क्रिप्टो में काफ़ी होते हैं. कई लोग जो है क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट में वेब से यूजर्स होते हैं, उनको एयर ड्रॉप मिलते हैं. पर्सनली आई हैव ऑल्सो रिसीव ए वेरी यू नो क्लोज टू $30,000 ऑफ एयर ड्रॉप लास्ट ईयर. अब मुझे नहीं पता कि वो $30,000 का एयर ड्रॉप मेरे को मिला है, मैं कैसे रिपोर्ट करूँगा, राइट? बिकॉज आई डोंट सी एनी इंस्ट्रक्शन कि आप एयर ड्रॉप में कैसे रिपोर्ट कर सकते हो. यहाँ पे ऐसी टाइप की कई सारी ऑप्शंस होते हैं, कई सारी टेक्निकल चीज़ें होती है, स्टेकिंग होता है उसमें भी आप रिवॉर्ड जनरेट कर रहे हो, तो ये सब चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आ पाई मेरे हिसाब से. आपको अगर इंडियन एक्सचेंज में आप काम कर रहे हो तब तो आई थिंक क्लैरिटी है कि टैक्स आपको रिपोर्ट करना है, इंडियन एक्सचेंज खुद ही काट रहे हैं, TDS काट रहे हैं. बट इन केस ऑफ इफ यू आर ट्रेडिंग और इफ यू आर स्टेकिंग और इफ यू आर गेटिंग एयर ड्रॉप्स एंड let's say if you are running a crypto bot and you are making you know these profits almost every day, agar crypto bot agar aap chala rahe ho to aap ek crypto bot jo hota hai wo din mein 50 trade leta, right? Aur har trade mein agar aap 10% TDS do 1% TDS loge to kafi bada amount ho jayega. So for a active trader it is a nightmare I would say, kafi zyada kharab loss keh sakte hai ek trader point of view se agar baat karte hai to. But for a investor point of view, for a long term investor point ये थोड़ा बुरा है, बट इतना भी बुरा नहीं है. 30% टैक्स अगर आप पे करो, आपको टैक्स तो वैसे भी पे करना ही पड़ता है, अगर आप कैपिटल गेन भी के अंडर भी आता तो 20-30% आपको वैसे भी देना पड़ता है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं लगता इतनी बुरी चीज है, बट एज ए ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी बैड. आई थिंक अविनाश आपसे भी जब मेरी लास्ट बात हुई थी इस बारे में तो वी वर ऑन द सेम पेज कि TDS वाला मामला जो है वो थोड़ा डाइसी है. इवन एज एन एक्सचेंज फॉर यू, हाउ हैज इट बीन हैंडलिंग दिस TDS? तो हमारी तो ऑब्वियसली काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, हमने सिस्टम बिल्ड करा TDS काटने का. बट मैं एक दो चीज़ों पे और आता हूँ इस टैक्स के आस्पेक्ट पे कि जो 30% टैक्स है, कहने को बोल सकते हैं कि हाँ ये इतना बुरा नहीं है, बट अगर आप इसमें थोड़ा डिग डीपर करें कि इसका जो इंटेंट है, गवर्नमेंट इसको एक तरीके से सिन टैक्स जिसको या जैसे गैम्बलिंग के तरीके से टैक्स करना चाहती है, तो मुझे तो उस जो इंटेंट है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि 30% से उतनी प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा आई थिंक 30% में जो एक और प्रॉब्लम है कि उसमें कुछ डिडक्शंस अलाउड नहीं है. तो अगर आप ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, तो फिर भी ठीक है आपके लिए. बट एक्चुअली मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो तो एक तरीके से लास्ट लेग है. जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हम क्रिएशन कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, जो इनोवेशन कर रहे हैं, अगर वो कोई एंटरप्रेनर इनोवेट करके कुछ क्रिप्टो जनरेट कर रहा है, टोकन जनरेट कर रहा है, और उसको उसकी कॉस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो वो भी एक्चुअली देन वो काफ़ी इनोवेशंस के लिए काफ़ी ख़राब है. और मुझे लगता है कि क्लैरिटी तो है, मतलब ऐसा नहीं कि क्लैरिटी नहीं है. क्लैरिटी ये है कि सब कुछ टैक्सेबल है. जो गवर्नमेंट ने डेफिनेशंस दिए हैं उसमें जो जो इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी, जो अब बाद में क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि गिफ्ट कार्ड इंक्लूड नहीं है, वो आपके ऑनलाइन पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, बट जो जनरल डेफिनेशन है वो इतनी ब्रॉड है कि जो मेरे को पैनलिस्ट ने पहले बोला कि उसमें क्लैरिटी नहीं है, वो हर चीज़ टैक्सेबल है. एयर ड्रॉप्स भी टैक्सेबल है, और वो तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एयर ड्रॉप्स में आज जब आपको एयर ड्रॉप मिले तो उसकी कीमत 100 रुपये है,
और आपको 100 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा। जब आप बेचने जा रहे हो तो उसकी कीमत सिर्फ 20 रुपये हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ऑब्वियसली इसमें, बट क्लैरिटी तो है कि सब कुछ टैक्स में जाती है। यस यार सिद्धार्थ गौरव, मैं आपके पास आऊंगी बिकॉज आप दोनों तरफ का मैं आपसे व्यू लूंगी, लेकिन इसीलिए मैं आपके पास सिद्धार्थ के पास आऊंगी। सिद्धार्थ आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक द सेम अबाउट द टैक्सेशन? हम लोग तो मेंटेन कर रहे थे कि क्लैरिटी है पर ज्यादा है, बट वुड वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट यू हैव थॉट। यस देखिए, टैक्स जिस हिसाब से इंडिया में लगाया है, ये मेरे हिसाब से दे आर सो बेसिकली आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंस। यू नो वी बीन इंटरैक्टिंग विद द गवर्नमेंट सिंस मेनी इयर्स एंड मेनी गवर्नमेंट्स, नॉट जस्ट इंडिया। एक चीज मुझे ये समझ में आई कि गवर्नमेंट को ये पता है कि इस चीज को बैन नहीं कर सकते, बट उस चीज को कम करने के लिए उन्होंने टैक्स इस तरह से लगाया है कि ये इंडस्ट्री टेक्निकली मर चुकी है इंडिया में। यू सी जो टैक्स लगाया 30% से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक हाउ हितेश आल्सो सेड 30% इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट इसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने इथेरियम में पैसा कमाया है और बिटकॉइन में लॉस किया है तो आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, विच इज वेरी बैड। सेकेंड, इसके अंदर मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप जो नए आने वाले कॉइन्स है या जो बहुत ही हाईली स्पेकुलेटिव कॉइन्स है उसके अंदर आपको ज्यादा लॉस हो, तो इवन दो यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट बिकॉज यू कैन नॉट सेट इट ऑफ, you will end up being in a wrong position, right? That's one. जो TDS लगाया है, TDS के वजह से liquidity providers को बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जो order books में spread होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, which creates a problem for the exchanges to operate. Plus, crypto is usually very globally traded commodity, right? So now, if you are buying crypto on any of the exchanges, there is a high possibility that crypto is being sold from somebody who's not in the country, because ye API driven liquidity providers hote hain, kahan se aata hai isko trace karna becomes a challenge, right? It's definitely traceable and it's totally doable with the right solutions. I think Gaurav is working on a very wonderful solution as well, but it becomes challenging when it comes to validating that information at a government level. And the third one, of course, GST is there. So main isko trident bolta hu, right? It's like flat tax plus TDS plus GST. At the other hand, if you see the global scenario, sab jagah slab wise tax lagaya gaya hai. Majority of the developed countries like US, UK, Singapore, Japan, these countries who are developed and have regulations for crypto, they have started from 8%, it goes up to 26-27%. In certain countries, it even goes to 44%, but depending on the on your income. So I think slab-wise tarike se is cheez ko karna chahiye, because agar aap flat tax 30% lagaoge, to bahut se business models profitable nahin rahenge, right? A lot of people who are dependent on running a crypto company or dependent on trading as their source of income, they won't be profitable anymore, because it's not a bull market every day, right? It's a lot of struggle for a trader to keep trading every day. So I think it's a difficult time right now. Aur mujhe ye lagta hai ki aane wale time mein government is tax rules ko kafi relax karegi. Gaurav, aap dono hi taraf का सूरत हाल देख चुके हैं। I want to pick your thoughts on what do you think government was thinking and उनके क्या limitations थे या क्या उनकी thought process थी, and do you also see, जैसे सिद्धार्थ बता रहे हैं कि आने वाले time में market को देखकर और जिस तरीके से market function कर रहा है उसको देख के शायद government जो है regulations को थोड़ा ढील देगी। Where do you stand on the entire taxation piece? क्रिप्टो इंडस्ट्री इंडिया में नई नहीं है। सो 2013 से ज़ेप्पे पाइनियर कर रहा है क्रिप्टो इकोसिस्टम इंडिया में, और अभी कॉइन D6 वज़ीरेक्स एक्सेट्रा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट में मिसकंसेप्शन है कि गवर्नमेंट ने अभी टैक्सेस लगाया है। सो अगर हम एग्जिस्टिंग लॉज को देखें तो क्लियरली लिखा गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर अर्निंग, मतलब डजंट मैटर आप कहाँ से पैसे कमा रहे हैं, योर इनकम इज सब्जेक्टेड टू टैक्सेस इन इंडिया द लैंड ऑफ। ये पहला पार्ट है।
इस बजट में गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है कि हम 30% टैक्सेस लेंगे, विच कम्स एज अ सरप्राइज, मतलब पूरी इंडस्ट्री से सरप्राइज के तौर पे देख रही है। नाउ ये 30% फिगर कोई नया फिगर नहीं है, अगर हम इक्विटीज मार्केट या रेगुलेटेड मार्केट में देखें तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है ऑलरेडी 30% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 20% है। सो 30% में जितना मार्केट पैनिक कर रहा है, आई डोंट थिंक दैट इज आई थिंक ये काफी ज्यादा ओवर रिएक्शन है, बिकॉज क्योंकि मुझे 30% पैसे देने पड़ रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ पेन टू मी। बट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी लॉजिकल, बिकॉज हम SHB कुछ टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं एंड क्रिप्टो इज नॉट एट ऑल एडिंग वैल्यू टू द कंट्री। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड, जब मैं इक्विटीज मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो प्रोबेबली मैं टाटा रिलायंस एक्सेट्रा लिस्टेड कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि रियल लाइफ जॉब्स ला रहे हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रिप्टो सॉरी कहीं ना कहीं हमारी रियल इकोनॉमी की तरफ ग्रोथ ड्रिवन है। बट जब मैं कोई स्पेकुलेट कर रहा हूँ किसी कॉइन पे, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे डोज कॉइन हो, सो रियल लाइफ कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी की तरफ नहीं आ रहा है, एक स्पेकुलेशन बढ़ रहा है। ऑल्दो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके वेरियस चीजें बनाई जा रही है, बट ये इकोसिस्टम धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। सो एज ऑफ टूडे taxes 30% is absolutely justified as I understand, and with the time it is going to be revisited. That's part one. Part two, mere fellow panelists ne kaha ki deductions are very harsh subject. I mean, the government ko kahin na kahin set of laws dena chahiye tha. Now let's see from the government point of view. Government kehti hai ki agar aap taxes aap NSE BSE में ट्रेड करें तो हमें पता है कि अगर आपने रिलायंस क्रॉस किया है तो मे बी आपने टाटा शेयर्स में गेन किया है, सो हम सेट ऑफ आपको अलाउ कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो में कोई भी कल के डेट में गौरव मेहता कॉइन बना देता है, उसका मार्केट में क्लेम करता है $1,000 है और 6 मंथ बाद वो कॉइन का जीरो हो जाता है प्राइस, बिकॉज गौरव मेहता कोई कॉइन कुछ वैल्यू थी नहीं, कोई एसेट बैक था ही नहीं, कोई रियल चीज हो ही नहीं रही थी। क्रिप्टो के कोड ओपन है सबके लिए बनाने के लिए, और मैंने अज्यूमिंग मैंने बिटकॉइन में 10,000 रुपए कमाए और मैं सेट ऑफ ये फालतू कॉइन से कर लूंगा, सो गवर्नमेंट के तो टैक्सेस एनीवे उनके टैक्सेस में इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, और वैसे भी मेजॉरिटी लोगों ने क्रिप्टो टैक्सेस पे ही नहीं किया है। टू बी प्रिसाइज आई विल गिव यू सम फॉर्मल नंबर्स, इस साल अराउंड 5.5 लोगों ने आपके सुपर इनकम टैक्स भरा, जिसमें से अराउंड 30,000 लोगों ने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डाला है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि क्रिप्टो टैक्सेस है। सो इंडिया के मेजॉरिटी क्रिप्टो टैक्सेस पे पहले भी नहीं कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं, होपफुली नेक्स्ट ईयर करेंगे। सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को वो सेट ऑफ भी करना है। एंड थर्ड पार्ट, जैसा हितेश ने कहा कि एयर ड्रॉप में प्रोबेबली क्लियरिटी नहीं है, गवर्नमेंट ने बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है अगर आप एज अ इन्वेस्टर अगर आप सोर्स ऑफ एक्विजिशन या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्रिप्टो का हमें प्रूव नहीं करते हैं या तो हमें बताते नहीं है, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 रुपीज रहेगा। उसके बाद आप जितने भी कॉस्ट में बेच रहे हैं हम उस पर 30% टैक्सेस लेंगे। सो अगर आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है सो आपका एयर ड्रॉप आपको 0 रुपये में मिल रहा है, भले मार्केट प्राइस 100 रुपये होगा, दैट डज नॉट मैटर, बट आपका एक्विजिशन कॉस्ट तो 0 रुपये है। सो अगर कल के डेट में आप लॉस में बेचते 20 रुपीज में, तो टेक्निकली आपने 100 रुपये में एक्वायर नहीं किया है। सो द लॉज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल, विच द गवर्नमेंट वुड रिविजिट बेस्ड ऑन हाउ मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट लॉज। गौरव, एक आपने इंटरेस्टिंग बात ये कही कि ब्लॉकचेन आगे जाके बहुत कुछ करेगा, लेकिन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं क्या ये सेंटिमेंट भी आगे आ रहा है कि गवर्नमेंट को अभी इस पूरी टेक्नोलॉजी पर उतना भरोसा नहीं है, एंड दैट इज अविनाश वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आल्सो स्पीक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स, कि वो इस मार्केट में तभी घुसे कि जब वो टेक्नोलॉजी पर बिलीव करते हो, जब वो इस फ्यूचर पे बिलीव करते हो, राइट? वी वर टॉकिंग अबाउट दैट। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, डू यू थिंक कि ये तमाम रेगुलेशंस जो जिस तरीके से हो रही हैं और जिस तरीके से यहाँ का इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम कंपैरिजन टू दुबई और बहरीन और सिंगापुर, क्या हम इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में पीछे हो रहे हैं? तो हाँ, हम लोग एक्चुअली काफी पीछे हो रहे हैं, और एक्चुअली जो गौरव ने बोला उसमें कुछ चीजों में मैं डिफर करता हूँ कि देखिए, जो जो टैक्स का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये है कि टैक्स जो है प्रॉफिट के ऊपर लगता है, उसके ऊपर कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि जब गवर्नमेंट को लगे कि जो के भाई के कोई फ्रॉड करना चाहता है।
जस्ट बिकॉज के सिर्फ 30,000 लोगों ने मिलियन में से मिलियंस ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स में से डिक्लेयर करा है दिस थिंग, कि जो डिक्लेयर कर रहा है उसको तो उसको उसमें आप पनिश नहीं कर सकते हो कि 30% टैक्स लगा के। और दूसरा जो एग्जांपल है कि जैसे बिटकॉइन में आपने प्रॉफिट कमाया, ईथर में लॉस कमाया, और आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो कहीं से भी वो जस्टिफाइड नहीं है। अनलेस कि आप बोल रहे हैं कि जैसे गौरव ने एग्जांपल दिया कि कोई नया कॉइन आया जिसमें 1,000 रुपये का था, 10 रुपये का हो गया और कस्टमर ने लॉस कमाया, बट अगर वो जेन्युइन लॉस है, बिकॉज कोई भी नई इंडस्ट्री बिना मिस्टेक्स के और बिना कुछ बिजनेसेस फेल होने के वो नहीं हो सकती सक्सीड। तो गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती ये ठीक है जब आप सक्सेस करोगे तो आप मेरे को पूरा 30% टैक्स दे दो, जब अगर आपका कहीं फेलियर होता है तो वो उस पर एडजस्टेबल नहीं है। आई थिंक वो किसी भी तरह से मेरे को तो जस्टिफाई नहीं लगता है। और इसका एक्चुअली जो बड़ा इम्पैक्ट जो है ना, वो मैं तो बोलता हूँ कि जो एक्चुअली जो ट्रेडर है ना, वो चलो ठीक है, वो ट्रेडर किसी ना किसी से ही विल टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, के जो भी टैक्स लॉज है 30% उसको देना पड़ रहा है तो ठीक है प्रॉफिट में से दे रहा है। इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है कि जो लोग जो इनोवेशन कर रहे हैं, जो लोग नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। उनको एक्चुअली लग रहा है कि गवर्नमेंट इसको बहुत ही नेगेटिवली देख रही है, क्योंकि वो जो गैम्बलिंग में जो टैक्स लगता है उस हिसाब से टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, और उनको लगता है कि आगे जाके गवर्नमेंट कुछ और भी ना करें जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करें इनोवेशन साइड पे, और उसी लिए वो लोग बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे जाके इनोवेट कर रहे हैं, इंडिया में इनोवेट नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करने की के लिए जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है, जो बिलियन डॉलर्स इनोवेशन होने वाली हैं इस इंडस्ट्री में, एज ए कंट्री हम लोग उसको मिस कर रहे हैं, उसको हम एक तरीके से बाहर भेज रहे हैं, इंडिया में नहीं आ रहे हैं। और जो बाहर जो इनोवेशन होगी उसका आगे जो 5-10 साल में जो उसका टैक्स होना चाहिए, जो इकोनॉमी में जो उसका बेनिफिट होना चाहिए, वो एक तरीके से हम लोग बाहर जाने दे रहे हैं, उसको हम रिटेन नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में। Siddharth, in your line of work, do you see brain drain? Do you see a lot of people stepping out? Na sirf hamara talent bahar ja raha hai, balki also I also see a lot of movement ki investors bhi ab Binance ki taraf ja rahe hain ya bahar ki exchanges mein invest kar rahe hain. Have you seen this trend increase in the last few months? Yes, absolutely. It has increased quite a bit. कोई भी कंट्री को अगर ग्रोथ करना है तो उसका जो ह्यूमन रिसोर्स टैलेंट है या जो यू नो जो स्मार्टीज है उस कंट्री के, उनको रिटेन करना इज वेरी इम्पोर्टेंट। आप देखिए 90s में जब इंटरनेट एरा जब हो रहा था, राइट, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनीज डेवलप हो रही थी, तब इंडियन डेवलपर्स हु वर क्वाइट गुड एट व्हाट दे वर डूइंग, ये वो सारे सिएटल, शिकागो और US मूव कर दिए। यू नो आप देखेंगे आपके भी कोई ना कोई रिलेशन में होगा हु इज मूव्ड, हु इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर लिविंग इन द US, ही इज गेटिंग पेड अ बॉम्ब। ये स्पेस में भी यही हो रहा है, यू नो, क्योंकि अब इफ आई एम अ डेवलपर, इवन दो आज सिनारियो चेंज हो गया, आई कैन लिव इन दिस कंट्री एंड ऑपरेट वर्चुअली, यू नो, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, बट गिवन द टैक्स सिनारियो आई कैन नॉट डू दैट। सो ब्रेन ड्रेन तो बहुत हो रहा है। एंड आप देखिए ये चीजें जो है ना, जैसे सिंगापुर में एंटरप्रेन्योर पास है, दे वांट टू इनवाइट टैलेंट इन द कंट्री, कनाडा इज वेरी अग्रेसिव, यूएई इज वेरी अग्रेसिव, दे आर गिविंग गोल्डन वीजास टू पीपल हु आर टैलेंटेड, राइट, सो दैट दे गेट मोर ह्यूमन रिसोर्सेज, मोर इंटेलिजेंट पीपल इन द कंट्री हु विल हेल्प देम, हु विल हेल्प द कंट्री ग्रो, राइट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट कुछ दिनों में मैंने ये नोटिस किया है कि इंडियन इकोसिस्टम से बहुत लोग, आई बिलीव 90-95% प्रोजेक्ट्स विच आर कमिंग इन द वेब 3 स्पेस नाउ आर गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द कंट्री, इवन द फाउंडर्स आर प्रोबेबली ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर, और जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो भी इंडियन कंपनीज या इंडियन एंटिटीज में नहीं आ रहा है, उनकी जो सिंगापुर एंटिटीज है या दुबई एंटिटीज है या US एंटिटीज है वहाँ पे आ रहा है। और ये काफ़ी कॉमन है बिकॉज क्रिप्टो स्पेस में दो एंटिटीज काफी कॉमन है, बट जो अब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। इट्स आई थिंक इन माय ओपिनियन इट्स टोटली जीरो एट द मोमेंट, इट्स ऑल गोइंग आउट ऑफ द कंट्री।
गौरव, एज डिजिटल एसेट मार्केट्स आर ओपन 24/7, यहाँ टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए? फॉर एग्जांपल, हाउ डज वन कैलकुलेट क्लोजिंग प्राइस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दिस मार्केट्स आर 24/7, सो ओनली जो रूल है आपका टैक्सेस का, इट्स बेस्ड ऑन आप क्या प्राइस में एक्वायर कर रहे हैं और क्या प्राइस में सेल कर रहे हैं. सो इट डज नॉट मैटर कि मार्केट 24/7 ओपन है या नहीं है. अब जब मैं ज़ेप्पे में ट्रेड कर रहा हूँ, जब मैं ज़ेप्पे में सेल कर रहा हूँ, तो जो भी मेरा सेलिंग प्राइस है दैट इज अवेलेबल एट ज़ेप्पे, तो वहां से मुझे पता लग सकता है मैं कितने प्राइस में क्रिप्टो एसेट बाय किया है और कितने प्राइस में मैंने क्रिप्टो एसेट सेल किया है, जिससे क्रिप्टो टैक्सेस कैलकुलेट करना ईजी हो जाता है. बट जब मैं इंटरनेशनल एक्सचेंज में ट्रेड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मे बी बनायंस या तो कॉइन बेस एक्सेट्रा, तब मेरे लिए कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मैं परहैप्स वहाँ डॉलर में ट्रेड कर रहा हूँ या तो यूएसडीटी में ट्रेड कर रहा हूँ, तब कहीं ना कहीं आपको टैक्सेस कैलकुलेशन करने में मुश्किल जरूर जाएगी. राइट. एंड अविनाश, एनएफटी टैक्सेशन और क्रिप्टो टैक्सेशन की बात करें, ये भी सवाल हमें काफी आता है कि इन दोनों टैक्सेशन के बीच में क्या कोई डिफरेंस है, अगर डिफरेंस है तो वो क्या है, और ये टैक्सेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखिए, इसमें जो कन्फ्यूजन है सिर्फ इसलिए है कि जो गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन दी है जो इनकम टैक्स में, उसमें क्लियरली लिखा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट इंक्लूड्स एनएफटी. और ज़्यादातर एनएफटी अगर हम देखें तो ऑब्वियसली क्रिप्टोग्राफी के बेस पे ही हैं, और उसमें ये भी लिखा है कि चाहे वो क्रिप्टोग्राफी हो या अदरवाइज उसको बनाया गया हो तो भी वो टैक्सेबल है. अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑब्वियसली आने शुरू हुए कि अगर हम स्ट्रिक्टली इस डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो काफ़ी लोगों को लगा कि जैसे जो गिफ्ट कार्ड हैं या जो टोकन्स मिलते हैं, ये लॉयल्टी टोकन्स या लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं, वो भी इसमें टैक्सेबल इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं. तो गवर्नमेंट ने उसके लिए दो क्लैरिफिकेशन दी. एक तो इन्होंने दिया कि ये इस तरह की चीज़ें जो लॉयल्टी पॉइंट्स हैं या गिफ्ट कार्ड हैं वो इसकी डेफिनेशन में नहीं आएंगे एनएफटी की. और जो दूसरा उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया जो आगे जाके काफ़ी बेनिफिशियल होगा आई थिंक एनएफटी के स्पेस में, कि अगर जो एनएफटी है वो किसी रियल एसेट के बेस पे है, जैसे आपने कोई कॉपीराइट है सॉन्ग्स के ऊपर और एनएफटी उसको रिप्रेजेंट करती है, और जब आप एनएफटी ट्रांसफर करते हैं वो कॉपीराइट भी लीगली ट्रांसफर होता है एक आदमी से दूसरे आदमी में, तब वो एनएफटी टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए अलग से ऑलरेडी लॉ है कि अगर आप आईपी ट्रांसफर कर रहे हो उसमें आपका कुछ गेन हो रहा है तो उसके लिए अलग टैक्स लॉज हैं, तो वो डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए एनएफटी पे भी नहीं और वहाँ पे भी. तो वो उन्होंने क्लैरिफाई करा है जो आई थिंक आगे जाके काफ़ी एनएफटी यूज केसेस में आएगा. बट एज ए कॉन्सेप्ट लेवल गवर्नमेंट दोनों को सेम ट्रीट कर रही है कि स्पेशली जो स्पेकुलेशन के लिए एनएफटीज आते हैं और कोई उसका अंडरलाइंग एसेट नहीं है जिसमें, उस केस में क्रिप्टो की तरह से ही उसको टैक्सेबल किया जाएगा. राइट. अब अगर हम बात करें कि ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं, और एशिया की ही अगर बात करें कि ऐसी कौन से मॉडल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं जो कि इस पूरे मार्केट को लेकर काफी प्रोग्रेसिव हैं. हितेश, विल स्टार्ट विद यू. कोई ऐसे सजेशंस या रेगुलेशंस जो कि आप देखते हो जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल किए जा सकते हो बाहर के हिसाब से? अगर एशिया की बात करते तो थाईलैंड का मैं एग्जांपल लेता हूँ. रिसेंटली तो थाईलैंड ने भी 15% टैक्स पॉलिसी लगाई थी, बट वहाँ पे कम्युनिटी ने उस चीज़ का बैकलैश किया कि दे वर नॉट एक्सेप्टिंग दैट पर्टिकुलर लॉ, तो उन्होंने वो 15% टैक्स वहाँ से वापस रिमूव कर दिया. राइट. सो इस टाइप से क्या है कि कम्युनिटी की सुनना काफ़ी ज़रूरी है. मैं ये बोलता हूँ कि अगर इस टाइप का कोई भी रेगुलेशन बनता है तो आपको कम्युनिटी के बारे में भी सुनना पड़ेगा, कम्युनिटी क्या चाहती है, और उसको सपोर्ट करना भी जरूरी है. आगे जाके क्रिप्टो कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो ऐसा टैक्स रेगुलेशन आना चाहिए, इस टाइप का रेगुलेशन बनना चाहिए. एट द सेम टाइम इंडिया में आप अगर देखोगे तो जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं वो ऐसे प्रोजेक्ट में करते हैं जिनका फंडामेंटल काफ़ी वीक होता है. जनरली हम उनको मीम्स कॉइन बोलते हैं, कई सारे MLM स्कैम्स वगैरह चलते हैं, उसकी वजह से काफ़ी लोगों को कई सारा लॉस हुआ है. इंडिया में 72,000 करोड़ का लॉस MLM क्रिप्टो स्कैम में लास्ट 5 से 6 सालों के अंदर हुआ है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन मैं ये मानता हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो को थोड़ा बुरा मानती है, क्योंकि पैसा लोगों का डूबा है. मैं तो ये बोलूंगा कि इंडिया में लोगों ने पैसा कम कमाया है, ज्यादा गवाया है. एंड दीज गाइज आर वेरी इनोसेंट. लाइक देयर वाज अ स्कैम कॉल्ड गेन बिटकॉइन. उस स्कैम के अंदर लोगों ने 10,000 रुपए में बिटकॉइन बाई किए थे, जब बिटकॉइन की प्राइस 10,000 रुपए होती थी 2015 की बात है.
तो आप ये सोचो कि उन लोगों ने वो पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करके होल्ड किया होता तो उन्होंने काफी रिटर्न कमाया होता, बट इस टाइप के पैसा लोगों का इस टाइप के स्कैम में इन्वेस्टमेंट हुआ और लोगों ने पैसा काफी गवाया, और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वो ऐसा बन गया कि लोग जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका लॉस हो रहा है। सो यहाँ पे ये जरूरी है कि जब भी रेगुलेशन बनता है तो एक्सचेंज साइड पे भी लिस्टिंग का भी फ्रेमवर्क बनना चाहिए कि आप अगर लिस्ट कर रहे हो तो आपको पहले एक फ्रेमवर्क फॉलो करना है कि वो सिक्योरिटीज में आते हैं या फिर एसेट में आते हैं। यूएस जो है रेगुलेशन पे काम करने वाला, यूएस में नेक्स्ट ईयर रेगुलेशन आने वाला है, उसमें जो कई सारे क्रिप्टो करेंसी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा, कुछ सिक्योरिटीज में आएंगे कुछ एसेट में आएंगे, और एक फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाएगा। तो फ्यूचर में जब भी इंडिया रेगुलेशन पे काम करता तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग का फ्रेमवर्क बनना चाहिए, कस्टमर प्रोटेक्शन का फ्रेमवर्क बनना चाहिए, और कस्टमर के साथ कस्टमर के क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अराउंड जो अवेयरनेस है, जो एजुकेशन का फ्रेमवर्क है, उस पर काम होना चाहिए। इंडिया में लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट एजुकेशन उनको नहीं है, उनको नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, और ये विदाउट अंडरस्टैंडिंग जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो थोड़ा फोमो में हो रहा है, देखा देखी हो रहा है कि उस बंदे ने उतना पैसा कमाया हम भी पैसा कमा के इतना आगे लगा सकते हैं और आगे रिटर्न कमा सकते हैं, उस चक्कर में गलत इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो रहा है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट इंडिया के लोग कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो छोटे गाँव में से बिलोंग करते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो कहीं ना कहीं से पैसा कमाना चाहते, क्योंकि कोविड के बाद में कई लोगों ने ऑनलाइन तरीके से पैसा कमाने का सोचा, अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट किया, राइट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो काफी गलत जगह हो रहे हैं, वो तभी प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं जब इस टाइप का रेगुलेशन बने, उसमें सब हर चीज पे क्लियरिटी आए, एजुकेशन लेवल पे, फ्रेमवर्क लेवल पे और लिस्टिंग लेवल पे। सो अगर इस टाइप का मॉडल फ्यूचर में बनता है तो दैट विल इवेंचुअली हेल्प इंडिया टू ग्रो एज ए क्रिप्टो नेशन इन माय ओपिनियन। सो दैट सेम क्वेश्चन फॉर यू। अगर देखा जाए तो आई थिंक जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये काफी आगे रहे हैं। आई थिंक अबाउट 65-70% कंपनीज जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है क्रिप्टो स्पेस में, दे ऑल हैव देयर एंटिटीज इन सिंगापुर। दैट्स बिकॉज सिंगापुर इज ईजी फॉर रेजिंग कैपिटल ऑल्सो, और गवर्नमेंट थोड़ी सी इसके फेवर में है। हाउएवर आज लास्ट 1.5 से 2 साल में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि बैंकिंग सपोर्ट काफ़ी डिफिकल्ट है इन दीज कंट्रीज लाइक सिंगापुर। इवन दो ये फोर फ्रंट पे है, आज अगर आप कोई क्रिप्टो का काम कर रहे हैं तो सिंगापुर में बैंक अकाउंट खोलना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सारी बैंक्स अपने आप को सेफ गार्ड करना चाह रही है। हाउएवर इस समय दुबई, बहरीन और सऊदी, दे आर ऑल्सो रियली गुड मार्केट्स, दे आर ऑल क्रिप्टो प्रो। दे आई मीन जो सेंटिमेंट है ना, जैसे इंडिया में क्या कहा जा रहा है कि क्रिप्टोज आर रिस्की, दे आर आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, और ये सारा जो एनवायरनमेंट यहाँ पे बना हुआ है, ये एनवायरनमेंट इन कंट्रीज में नहीं देखा गया है। वहाँ पे दे सी इट एज अ न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, दे आर केयरफुल अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग एंड एवरीथिंग, बट इट्स नॉट ट्रीटेड कि अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो तो आप कोई गलत काम कर रहे हो। यहाँ पे लोगों की आईब्रोज ऊपर हो जाती है कि आप क्रिप्टो कर रहे हो, ओ रियली, यू नो, सो दैट सेंटिमेंट हैज टू चेंज ओवरऑल। Right. Gaurav, if I ask you the same question but with an added element to it, jo ki Hitesh ne bhi baat kari, that there is a need for educating everybody, training ki bahut zarurat hai, aur wo shayad na sirf investor ke liye zaruri hai, wo baki aur bhi jo stakeholders hain unke liye zaruri hai, and you are also doing something on the same line, so would love to hear about that. Sure. जैसे कि हितेश ने कहा, इंडिया की मेजॉरिटी पब्लिक बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, आई एग्री विद देम। आज की डेट में हमें 10 साल हो गया ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करते, कोई हमें फ़ोन करता है हम उसे हंसी खुशी ओटीपी दे देते हैं। सो अभी हम जब ओटीपी और कन्वेंशनल बैंकिंग को हैंडल करना हमने नहीं सीखा है, सो क्रिप्टो तो उससे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट मैकेनिज्म चाहिए जहाँ पे क्रिप्टो अवेयरनेस आए, या तो अगर इंडस्ट्री एज अ होल वो अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर पा रही है, सो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जम करना पड़ता है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि हम देख रहे हैं आज की डेट में इंडिया में प्राइमरली हो रहा है। सो एज ए इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हमें सब मिलकर बताना चाहिए कौन से अच्छे कॉइन है, कौन से कॉइन बुरे हैं। कोई अगर हम स्कीम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि MLM है, या तो स्कैम्स ड्रिवन है, या तो एक्सचेंजेस में ऐसे लोग आइडेंटिफाई होते हैं जिनके पास इलसिट गेन्स आ रहे हैं, मतलब कहीं से ऐसे फंड्स आ रहे हैं जो कि अनअकाउंटेबल है,
या तो कोई गांव के इन्वेस्टर्स लाखों करोड़ों कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, सो कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो प्रोएक्टिवली देखे कि ये क्रिप्टो कहाँ से एक्वायर हो रहा है कैसे। सो कहीं ना कहीं अगर हमें ये चीज के क्रिप्टो इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स को काउंटर करना है तो एज अ होल ही हमें काम करना पड़ेगा, और जब हम फेल हो जाएंगे तब गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी जैसा हम आज देख रहे हैं, ये पहला। दूसरा, अगर आप मुझे पर्सनली कहे, सो आई अग्री विथ आरबीआईज पॉइंट ऑफ व्यू कि क्रिप्टोज आर ग्रेटर लेवल थ्रेट टू फाइनेंशियल सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि आज की डेट में कोई क्रिप्टो INR बैक नहीं है, पूरा डॉलराइजेशन इकोनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं। सो मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू पे हूँ कि कहीं ना कहीं हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक व्यू के साथ ही सोचना पड़ेगा क्रिप्टो को कैसे काउंटर बैलेंस किया जाए। इस चीज में मैं बहुत बड़ा फैन हूँ चाइना का। चाइना एक्टिव हो गया था क्रिप्टो में वेरी एग्रेसिवली बैक इन 2013-14, एंड बाय 2015 उन्होंने एग्रेसिवली ओटीसी ट्रेडिंग, बिटकॉइन बैन करना चालू कर दिया। ऑल दो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में लिमिटेड था, बट मासेस ऑनबोर्ड नहीं हो पाई क्रिप्टो के वहां पे, जिनके कारण उनको सीबीडीसी इंप्लीमेंट करने का मौका मिला। आज की डेट में वो सीबीडीसी में पाइनियर कंट्री है और उनके काफी पायलट एडवांस जा चुके हैं। सो अब हम जब देख रहे हैं एज एन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, सो हमारे गोल्स शुड बी लॉन्ग टर्म, बेस्ड ऑन दैट हमारी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। एंड आई एम सैटिस्फाइड विद व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द गवर्नमेंट एज ऑफ टुडे। All right, before I go towards wrapping up, मैं अपने सभी audiences से भी पूछना चाहूंगी, if you have any questions, please send them to us, और हम अपने experts से वो सवाल आपके पूछेंगे. So punch in and let me know if you want a specific question to be asked. फ्यूचर की अगर बात करें सिद्धार्थ, वेब थ्री को अगर बात करें, कौन सा आप जो वेब थ्री का वर्टिकल है उसको ज्यादा ग्रो करते हुए देख रहे हैं, मेटावर्स, एनएफटी, रेवी, गेमिंग, व्हाट वुड योर पिक बी? वेल, वेब थ्री इज डेफिनेटली हियर टू स्टे। आई थिंक जो फर्स्ट था वेब वन, जहां पे हम खाली इंफॉर्मेशन जाके ले सकते थे, वेब टू आया, हम अमेजोन यूज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, ये सारे वेब टू हैं, जहाँ पे आप जा रहे हैं, आपके क्रेडिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी से पेमेंट कर रहे हैं एंड थिंग्स गेट डिलीवर्ड टू यू। बट ये प्रोसेस में आपका डेटा उस कंपनी के पास रहता है। वेब थ्री के अंदर प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, विच इज़ यूजुअली यू नो क्रिएटेड बाय डेवलपर्स और ओपन सोर्स कम्युनिटी, ऑल्सो नोन एज डाउज और डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस। और आपका जो डेटा है वो आपके पास रहता है, जब भी आपको उस डेटा के थ्रू पेमेंट्स करने हैं या कोई ट्रांजैक्शन करना है या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरैक्ट करना है, तो आपका डेटा आपके पास रहता है, बिकॉज इट इज एनक्रिप्टेड बाय यू नो द एंटायर एल्गोरिथम्स आउट देयर, यू नो। सो वेब थ्री इज डेफिनेटली ग्रेट। वेब थ्री के साथ साथ इसमें मेटावर्स और ये जो डीफाई, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ये जो गेमिंग इंडस्ट्री, इसके अराउंड डेवलप हो रही है, यू नो, जैसे ऑनलाइन गेमिंग और ये सारी जो चीज़ें हैं, लोग कभी ट्रस्ट नहीं करते थे कि ये यू नो, अगर वो किसी प्लेटफॉर्म से इंटरेक्ट करें तो सोचते थे कि ये जो जो प्रॉफिट्स आ रहा है वो कोई लेके जा रहा है, राइट? बट जब ये गेमिंग प्लेटफॉर्म्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चलते हैं तो आपको दिखता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, एंड यू नो यू आर गेटिंग द मनी बैक, बिकॉज इट्स ऑल यू नो डन ऑटोमेटिकली। सो बेसिकली जो ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, IoT और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये वेब थ्री के साथ जब जुड़ती है तब एक्चुअल प्रोडक्ट, फीजिबल प्रोडक्ट दिखाई देता है। अभी एज ऑन टुडे आप देखेंगे तो वेब थ्री के नाम पे कई लोग वेब टू सॉल्यूशंस ही बेच रहे हैं, प्योर वेब थ्री प्रोडक्ट्स बहुत कम है। बट आई थिंक आने वाले 3-5 साल में वी विल सी प्योर DAO based web3 products, because we also have a small software development lab. What we are experiencing is jo jis type ki inquiries aa rahi hai, jis type ke business models apne aap ko web3 ke taraf evolve karne ke liye tatpar hain, ye kafi acha indication hai. So I think it has a great potential in future, but it's we are still too early. We will be at the beginning of the web3 area only after 2.5 to 3 years. A lot of R&D is going on, so abhi kafi speculative hai market. Interesting.
And we also have a barrage of questions. Hitesh, would you like to take this one? Chitra पूछ रही हैं कि भाई ये cryptocurrency और अलग-अलग cryptocurrencies की value जो है ये कौन decide करता है? सो वैल्यू तो ट्रेडिंग पे ही डिसाइड होती है, जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है, जिसके हिसाब से ट्रेडिंग वॉल्यूम आता है, लोग का इंटरेस्ट जो होता है उसके हिसाब से वैल्यू डिसाइड होती है. बट कई कुछ फैक्टर्स उसमें होते हैं, जैसे मार्केट कैप इज वन ऑफ द फैक्टर, सप्लाई, टोटल सप्लाई इज सेकंड फैक्टर, एंड नंबर ऑफ एक्सचेंज वेयर द क्रिप्टोकरेंसी इज लिस्टेड अनदर फैक्टर. सो दे आर कपल ऑफ फैक्टर्स यू कैन कंसिडर ऑलवेज. एट द सेम टाइम जो क्रिप्टोकरेंसी आप देखते हो जनरली लॉन्च होती है, उनके पीछे एक कंपनी होती है जो ब्लॉकचेन के किसी यूज केस को डेवलप कर रही है, राइट? तो आपको उसके कंपनी के प्रोग्रेस को भी साथ में देखना होता है कि वो कंपनी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, उस पर कैसे माइलस्टोन्स है, कैसे फ्यूचर डेवलपमेंट होने वाला है. सो जैसे आप स्टॉक में जनरली इन्वेस्टमेंट करते हो तब कंपनी की रिपोर्ट वगैरह देखी जाती है, उसके फंडामेंटल को भी स्टडी किया जाता है, वैसे ही आप क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल को स्टडी कर सकते हो, उसको समझ सकते हो, और जो फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं काम आते हैं, और उन फंडामेंटल्स के हिसाब से जो उसकी प्राइस है वो ग्रोथ होती है. और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमको मिल जाएगी रिसेंटली, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सी इन्फिनिटी का हम एग्जाम्पल लेते हैं. तो एक्सी इन्फिनिटी वॉज वेरी स्मॉल कॉइन बैक इन 2019, बट जब लास्ट ईयर उस पर कई प्लेयर्स ने वो गेम खेलना स्टार्ट किया, उसका जो सेल्स वॉल्यूम है उसके एक्सी इन्फिनिटी के एनएफटी मार्केट प्लेस का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट उसका डेवलप हो गया, तो उसका जो कॉइन की प्राइस ही वो थी वो 1000x के आसपास ग्रो हुई. सो अल्टीमेटली अगर फंडामेंटल फेवर में होते तो प्राइस ग्रोथ होती है. तो क्रिप्टोकरेंसी में फंडामेंटल काफ़ी मैटर करते हैं, और अगर बिटकॉइन की बात करते हैं तो उसमें माइनिंग का जो हैश रेट है वो काफ़ी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर है. इसके अलावा और भी कई चीज़ें होती है, वो कॉइन मार्केट कैप जैसी वेबसाइट पर आपको पता चल जाती है कि किस टाइप से आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. और जितना ज़्यादा आप उस क्रिप्टोकरेंसी के बारे में स्टडी करोगे, उसको फॉलो करोगे, उतना ज़्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा और आप सही डिसीजन ले पाओगे. थैंक यू हितेश फॉर दैट आंसर. मुकुल मल्होत्रा पूछ रहे हैं क्या ये जरूरी है एक इंडिया में रहने वाले इंडिविजुअल के लिए जो कि क्रिप्टो के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है टू डिस्क्लोज हिज होल्डिंग्स. अविनाश, वुड यू वांट टू टेक दैट एंड आल्सो एक्सप्लेन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ केवाईसी इज नाउ प्लेइंग अ रोल. या तो ये अगेन ये काफी क्लियर है कि अगर आप क्रिप्टो होल्ड करते हैं इंडिया में तो अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है आपको उसमें बाकी जहाँ पे आप एसेट्स डिस्क्लोज करते हैं उसी के साथ साथ आपको क्रिप्टो एसेट भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. और ये एसेट के जो क्रिप्टो टैक्स है वो भी इसमें भी काफ़ी मिसनॉमर है कि भाई कि क्रिप्टो टैक्स जो है वो 1 अप्रैल 2022 से नहीं आया है. क्रिप्टो वॉज ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो भी इनकम है वो सारी सारी टैक्सेबल है, आप चाहे किसी भी सोर्स से इनकम लेके आएँ. तो दोनों चीज़ें आपको इनकम ऑब्वियसली डिस्क्लोज करनी चाहिए कि जो आपने कमाया है उसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए, और जो भी आपकी क्रिप्टो एसेट्स हैं वो आपको इनकम टैक्स फॉर्म में डिस्क्लोज करने की जरूरत है. अमित पूछ रहे हैं डू यू स्टिल होल्ड बिटकॉइंस एज द प्राइस कीप्स गोइंग डाउन. हु वुड लाइक टू टेक दैट क्वेश्चन? गौरव, वुड यू वांट टू चाइम इन? So I'm not at all invested in crypto. I primarily मैं crypto में invested नहीं हूँ, मैं primarily blockchain technology में ही ज़्यादा focus करता हूँ. So not at all invested. I'm coming to you for this one. Yeah, you can always hold Bitcoin. Like अगर आप long term investor हो, आपको ये लगता है कि बिटकॉइन में आगे जाके वैल्यू ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि बिटकॉइन अगर आप देखोगे तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल मनी है उसका फ्लो ज़्यादा हो रहा है, और जो भी एसेट आगे जाके ग्रो करता है उसका ग्रोथ जो होता है उनके हाथ पे ज्यादा डिपेंड करता है. दिस गाइज आर मार्केट मेकर्स, ऑल दिस बिग वीसी फंड्स, ऑल दिस बिग इंस्टीट्यूशनल आर द रियल मार्केट मेकर. एंड यूएस के जो बड़े फैमिली ऑफिस है, बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स है, जो बड़े बैंकर्स है, वो सारे काफी ज्यादा बुलिश है. नॉट ओनली यूएस, इवन यूरोप में आप देखोगे जो बड़ी कंट्रीज में कैपिटलिस्ट कंट्री के अंदर जो लोग है वो काफी ज्यादा बुलिश है. तो अगर आपको बिटकॉइन के स्टोर ऑफ वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट पे भरोसा है और अगर बिटकॉइन को आप समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो कि आगे जाके बड़ी चीज़ हो सकती है, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए. और जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको इस टाइप के डिप मिले जहाँ पे आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, तो स्लोली यू कैन डू दिस इन्वेस्टिंग थिंग एंड यू कैन बिल्ड योर पोजीशन स्लोली बट ग्रेजुअली. सो आई एम ए बिटकॉइन होल्डर. आई हैव बीन इन्वेस्टिंग बिटकॉइन सिंस 2015. सो व्हेन बिटकॉइन वॉज बिलो $600 व्हेन आई फर्स्ट बॉट माई बिटकॉइन, सो आई ऑलवेज बीन द बिलीवर ऑफ बिटकॉइन. So I will always suggest ki you can always buy and hold Bitcoin. Hitesh, everybody is looking at you ki bhai ye inhone sabse acha business kiya is pure time mein.
जस्ट एन ओल्ड टाइमर अगला सवाल अगला सवाल है विल क्रिप्टो रिप्लेस द पेमेंट सिस्टम्स फॉलोड इन इंडिया और क्या ये रिटेल बिजनेस में भी एक्सेप्टेबल होगा श्रुति कुलकर्णी का ये सवाल है सिद्धार्थ वुड यू वांट टू टेक दैट कि क्या आगे बिटकॉइंस जो हैं या क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो इस इंडस्ट्री में इन इंडस्ट्रीज में भी एक्सेप्टेबल होंगी बिल्कुल मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ 2017 में इन जापान we have used crypto for buying coffee right so ye evolution to aa raha hai mainstream mein aaj bahut si aisi online marketplaces aur websites hai jo crypto accept kar rahi hai because crypto is really easy to use you know ek bar aap agar usko use karoge to aapko realize hoga that it's honestly as easy as upi but upi mein aapka bank involved hai gpay involved hai ya paytm jo bhi aap app use kar rahe hain wo front mein hai piche bank chal raha hai क्रिप्टो में इट्स पीयर टू पीयर सो जीपे में कई बार ऐसा होता है कि अगर बैंक का सर्वर डाउन है तो आपका ट्रांजैक्शन नहीं जाता है यू नो देयर आर सर्टेन डिफिकल्टीज बट क्रिप्टो में यू कैन जस्ट ट्रांसफर ट्रांजैक्ट वेरी इमीडिएटली सो द प्रॉब्लम विच इट इज सॉल्विंग इज अमेजिंग आप अगर कोई अफ्रीका के कोई कंट्री में है जहाँ पे आपके पास में KYC डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपका बैंक में अकाउंट भी नहीं खुलेगा यू नो अफ्रीकन्स और काफ़ी ऐसी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ पे लोगों के पास में बैंकिंग सुविधाएं नहीं है इंक्लूडिंग इंडिया राइट दैट्स बिकॉज KYC डॉक्यूमेंट्स और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है आज बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट खोलना भी अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और आपको सेविंग अकाउंट खोलना है इंडिया में तो इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज सो क्रिप्टो ये चैलेंजेस का एक ऑल्टरनेट दे रहा है आई विल नेवर से दैट क्रिप्टो विल बिकम द मेन स्ट्रीम करेंसी और पीपल विल जस्ट यूज क्रिप्टो फॉर ट्रांजेक्शन But it will always be there as the second best alternate when you want to do a transaction. It can be payments or it can be exchange of goods and services. It can be investments or anything. But it will become the second best alternative because of the technology and the problem which it is solving. Noted. एक सवाल गौरी पूछ रही है एंड इंटरेस्टिंग सवाल है गौरव मे बी यू कैन गिव एन आंसर टू दिस कि क्या ऐसे कोर्सेज हैं आज मार्केट में टू लर्न कोडिंग फॉर क्रिप्टो या क्रिप्टो मार्केट से जुड़े ऐसे कौन से प्रोफेशनल एवेन्यूज हैं या कहाँ पर आप जाकर इनके बारे में प्रोफेशनली अगर आप इस मार्केट में कुछ करना चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं जब हम इंडस्ट्री को ब्रेक करते हैं तो अगर आपका रुझान ट्रेडिंग की तरफ है सो मार्केट में काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो हमें चार्ट रीड करना सिखाते हैं जो हमें ट्रेडिंग टिप्स सिखाते हैं जो हमें एक्चुअल में आपके जो इंडिकेटर से कैंडल स्टिक से उसे पढ़ना सिखाते हैं जिससे कि आप एक अपना ट्रेडिंग में करियर बना सकते हैं स्टेप वन अगर आप थोड़े टेकी है और ये चीज़ को आप डीपली समझते हैं चार्ट्स पढ़ना तो आप अपने खुद कोड्स लिख सकते हैं एल्गोरिदम बना सकते हैं और आप जो कहते हैं ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सॉल्यूशन भी बना सकते हैं जो आपके बिहाफ में दिन रात क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करें दैट वाज ऑन द मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन है तो आप क्रिप्टो में R&D करके आप अपनी खुद एक इंफॉर्मेशन रिसर्च फर्म बता सकते हैं जिससे कि आप आइडेंटिफाई करें कस्टमर्स को हेल्प करें कि कौन से क्रिप्टो अच्छे हैं किस पे इन्वेस्ट करना है किसका फ्यूचर पोटेंशियल है दैट इज समथिंग और अगर हम अब टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं तो टेक्नोलॉजी में आपके Web3 काफ़ी ग्रो कर रहा है अपकमिंग फ्यूचर इज ऑल अबाउट Web3 सो हम Web3 में जाने के लिए हम डेवलपमेंट सीख सकते हैं जिसमें हम कहते हैं ब्लॉकचेन का डेवलपमेंट सॉलिडिटी कुछ डेवलपमेंट है जो प्रोटोकॉल है आपके इथेरियम प्रोटोकॉल में डेवलपमेंट है काफ़ी नई ब्लॉकचेन आ रही जैसे इंडिया से हमारी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन है जिसका एडॉप्शन वर्ल्ड वाइड आज के डेट में सबसे हाईएस्ट है सो डिपेंड करता है आप क्या कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है क्या आपको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है सो दुनिया आपके लिए पूरी खुली है वंडरफुल आई एम गोइंग टू टेक क्विक क्लोजिंग कमेंट्स अविनाश लेट मी स्टार्ट विद यू क्या एडवाइस आज उन लोगों के लिए जो कि वेबिनार में जुड़े हैं जो कि टैक्सेशन से जुड़ी बातें हम आज सुन रहे थे और आज का हमारा सब्जेक्ट भी यही था टैक्सेशन एंड डिजिटल एसेट्स लेकिन आने वाले समय में हमेशा सवाल सभी के मन में होता ही है कि भाई ट्रेड करें नहीं करें क्या करें कब जाएं यू नो द मार्केट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एज एक्सपर्ट्स क्लोजिंग कमेंट्स आपके क्या होंगे तो एक्चुअली मेरे क्लोजिंग रिमार्क्स में मैं कहना चाहता हूं कि हमको ये पूरा जो क्रिप्टो का स्पेस है इसको दो तीन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे देखना चाहिए
पहला जो है फंडामेंटल्स क्या है, क्रिप्टो क्या सॉल्व कर रहा है, क्यों ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, वंस इन ए लाइफ टाइम टेक्नोलॉजी है जो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, उसको आई थिंक सबको स्टडी करना चाहिए, सबको उसके बारे में अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर कंपनीज एंड फॉर कंट्रीज। दूसरा जो है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं, कुछ ना कुछ उसको लोग एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और ये अगर आप देखें किसी भी टेक्नोलॉजी में, वो चाहे वो टेलीकॉम से शुरू हुआ हो, इंटरनेट से शुरू हुआ हो, हर चीज़ में ट्रू है। तो हमको सिर्फ उन्हीं नेगेटिव्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली नेगेटिव्स को देखना चाहिए, उनको कैसे सॉल्व करें एज ए सोसाइटी, अगर कुछ गलत चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो गवर्नमेंट के साथ वर्क करके उसको कैसे कर्व किया जाए उसके ऊपर सोचना चाहिए, ना कि पूरी पूरी टेक्नोलॉजी को बोला जाए कि क्योंकि ये गलत टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इससे में कुछ गलत काम कोई ना कोई करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा आई थिंक जो एस्पेक्ट है कि अराउंड टैक्सेशन एंड रेगुलेशन, तो अगर किसी भी इंडस्ट्री को और क्रिप्टो इंडस्ट्री को अगर सक्सीड होना है, उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है, तो आई थिंक ये जो गैप है, जो रेगुलेशन में गैप है और जो टैक्स कंप्लायंस में गैप है, उसको ब्रिज करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले भी बोला कि ऐसा कभी नहीं था कि क्रिप्टो टैक्सेबल नहीं था इंडिया में, बट लार्ज पार्ट ऑफ पीपल वर थिंकिंग कि क्रिप्टो टैक्सेबल नहीं है और अपना टैक्स डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। तो मेरा तो मानना ये है कि सबको जो भी इनकम कमा रहा है इसके ऊपर, उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट उस टैक्स का एक यूज़ करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में, कंट्री को डेवलप करने में। तो आप कुछ इनकम कमा रहे हैं तो उसका एक पोर्शन गवर्नमेंट को जाना चाहिए एज ए इनकम टैक्स। प्लस फ्रॉम ए इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू जो रेगुलेशन है, अपने आप को सेल्फ रेगुलेशन करने की कोशिश करनी चाहिए, और साथ के साथ गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए कि कुछ बेसिक रेगुलेशंस तो लेके आए जिससे जो बड़े बड़े नेगेटिव्स हैं उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। राइट गौरव, मैं एग्री करता हूं अविनाश जी के साथ, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और वेब 3 बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। सो गवर्नमेंट ने काफी कंजर्वेटिव दिया है, गवर्नमेंट का काफी कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट है क्रिप्टो के लिए, बट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बुलिश है वेब 3 और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के लिए। IIT कानपुर बहुत इनोवेटिव काम कर रहे हैं ब्लॉकचेन में, सर्टिफिकेशन हमने देखा कास। सो इंडिया में ब्लॉकचेन का यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में भी। सो गवर्नमेंट इज अंडरस्टैंडिंग कि क्या पोटेंशियल है टेक्नोलॉजी का, एंड वी विल सी लॉट ऑफ यूज केसेस। पार्ट वन अविनाश जी ने परफेक्ट कहा कि अगर हमको इंडस्ट्री को सेकेंड स्टेज में जाना है तो टैक्सेशन में हमको फोकस करना पड़ेगा, रेगुलेशन में फोकस करना पड़ेगा। सो मीनवाइल जब गवर्नमेंट रेगुलेशन को फिगर आउट कर रही है, सो एज एन इंडस्ट्री हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम टैक्सेशन को ड्राइव करें, क्योंकि ग्राउंड में मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मेजॉरिटी लोग ये मानते हैं कि उनके क्रिप्टो अकाउंट्स के बारे में गवर्नमेंट जानती नहीं है, उनके टैक्सेस को कोई पकड़ नहीं सकता, पता नहीं कर सकता, जबकि क्रिप्टो के हर ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन में अवेलेबल है एंड बहुत ज़्यादा आसान है आइडेंटिफाई करना किन्होंने कितने वर्थ ऑफ ट्रांजेक्शन किया या कमाया है, किस समय में खरीदा है, किस समय बेचा है। ऑल्दो गवर्नमेंट वो चीज़ों में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, बट वंस द रेगुलेशन इज देयर गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि हम एज एन इंडस्ट्री आगे बढ़ के टैक्सेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करें और टैक्सेशन ड्राइव करें और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जिनसे। Hitesh, your viewpoint and also any suggestions ki ek situation jahan pe ek investor involved hai or bahut deeply involved hai, from their point of view what to do? मैं उससे पहले एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ब्लॉकचेन के लिए बुलिश है इंडियन गवर्नमेंट, एज गौरव ऑल्सो मेंशन्ड, इसलिए CBDC डेवलपमेंट हो रहा है। CBDC का जो इंफ्रा वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के ऊपर ही है, ब्लॉकचेन के ऊपर ही है। बट अगर आप ब्लॉकचेन की बात करते हो तो ब्लॉकचेन वो जस्ट ए मेंशन इन द बिटकॉइन वाइट पेपर, राइट, इट वो जस्ट ए मेंशन। मेन जो टेक्नोलॉजी था, मेन रेवोल्यूशन था, वो बिटकॉइन था। सो मैं ये जब इस स्टांस को देखता हूँ तो काफ़ी आश्चर्य करता हूँ कि एक तरफ आप ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर रहे हो, एक तरफ आप बिटकॉइन को डिक्लाइन कर रहे हो। बट आई थिंक बिटकॉइन इज द मदर ऑफ ब्लॉकचेन इन ट्रू सेंस, बिकॉज वाइट पेपर में ब्लॉकचेन मेंशन किया गया था और बात बिटकॉइन की हुई थी। और इन्वेस्टिंग की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट अगर अभी आप करते हो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टैक्स तो वैसे भी पे करना पड़ेगा। तो कुछ पैसा कमा लोगे फिर टैक्स पे करोगे ज़्यादा सही रहेगा, तो तभी कमा पाओगे जब आप लॉन्ग टर्म उसको होल्ड करोगे। और अभी बेयर मार्केट में सही टाइम है अपॉर्चुनिटी बाय करने का, उसको लंबा होल्ड करने का।
तो मेरे हिसाब से कोई भी बंदा आज इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको एटलीस्ट 3 साल का प्लान लेके चलना चाहिए और ऐसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनके लॉन्ग टर्म फंडामेंटल अच्छे है। और आप टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में बाई कर सकते हो, बिटकॉइन में कर सकते हो, इथेरियम में कर सकते हो, और ये माइंड सेट के साथ इन्वेस्टमेंट करो कि हम जब प्रॉफिट बुक करेंगे तब उसको टैक्स जो है वो उसको पे कर देगा। और अगर ट्रेडर की बात करते हैं, कोई बंदा ट्रेडिंग करके क्रिप्टो में इनकम जनरेट कर रहा है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी ट्रेडिंग स्किल अच्छी है तो आप स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको 1% TDS जो बचाना है इन केस, राइट। सो दैट इज माय व्यू पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसी। वंडरफुल, इट्स अ ग्रेट इनसाइट टू हैव। सिद्धार्थ, क्लोजिंग कमेंट्स फ्रॉम यू एंड वी रैप द शो देन। वेल, आई थिंक अविनाश, हितेश और गौरव ने बहुत सही तरीके से कहा। I would just give 3 quick things. First, don't go all in into crypto. आपके अगर 100 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं तो 5 रुपए से ज़्यादा इसमें मत डालिए। It's very speculative. अगर आप अपने उतने ही पैर पसारिए जितनी आपकी चादर अलाउ करती है। Second, अगर आप कोई नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर वो प्रोजेक्ट का कोई आपके पास में सेल्स पिच लेके आता है या कोई बोलता है कि ये नेक्स्ट बिटकॉइन है या इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट, इट्स गोइंग टू गिव यू 100% रिटर्न, इसमें आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, बी केयरफुल। इट्स देयर इज नथिंग एज इजी मनी इन दिस स्पेस। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं इस स्पेस में, सो जस्ट स्टिक विद बिटकॉइन एंड इथेरियम। आई वोंट इवन से टॉप 10, बिटकॉइन और इथेरियम से सेफ इस समय कोई नहीं लग रहा है। And third is on the regulation side, we are going through tough times for regulations. Even the industry association is dissolved. So we want the industry to come together and go to the government to ease the tax taxations and the policies. और इंडिया में आने वाले projects को बढ़ावा देना चाहिए। इस हिसाब से government को एक approach करनी चाहिए और इन्वेस्टर्स को ये समझना चाहिए दैट क्रिप्टो, देयर इज नथिंग टू वरी व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। क्रिप्टो इज टोटली ट्रांसपेरेंट, ट्रांजैक्शंस आर ट्रेसेबल, देयर इज इट्स नथिंग इलीगल। सो पीपल नीड टू सी इट एज अ न्यू एसेट क्लास। देयर इज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, इट्स वेरी स्पेकुलेटिव, बट ये काफी स्टेबल हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में। सो लुक फॉरवर्ड टू इट। Well, thank you so much, gentlemen, for that discussion, all the wonderful insights, and for taking out time for our webinar. Thank you so much. और आप सभी हमारी audience जो कि हमारे साथ इस webinar में जुड़ी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया crypto की समझ में शामिल होने के लिए। Thank you.